का उन्वान है अशुभ जी। मैं पूरी जहनी एक सुई के साथ टीवी देख रहा था, मुल्क के अहम मसाइल पर प्रधान की तकरीर सुन रहा था, गली में कुत्तों के भौंकने का बेहंगम शोर इस कदर था कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इन दोनों शोर से तंग आकर दादा ने चिल्लाकर अपने पोते का आवाज लगाई, दादा बबलू गली में जाकर या तो कुत्तों को भगा दे या नहीं तो टीवी बंद कर दे। लगातार घर में झूठ की गूंज और गली में कुत्तों का शोर अशुभ होते हैं। अच्छा था, बहुत बोल बहुत जी। अब सांचे का अनुवाद इंग्लिश है रीशफल। टोपी दुबई की, काला चश्मा आंखों की ठंडक के लिए सऊदी अरबिया का, टी शर्ट बर्तानिया के, सारे तोहफे दोस्तों ने दिए थे, शुक्रिया। मगर पैकेट खोलकर देखा तो सभी MIC निकले, अपना डील टटोल कर देखा तो हिंदुस्तानी निकला। अब हिंदुस्तान के नए कानून के NRC और CAA के तहत खुद को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए कागजात की जरूरत दरपेश है, क्या वो भी MIC याने मेड इन चाइना चलेंगे? क्या बात है। दोनों की बहस बड़ी दिलचस्प थी। रंगा, फौजी जहाज राफेल की फाइल का क्या हुआ? बिल्ला, यार गुम हो गई। रंगा, बाबरी मस्जिद की दावेदार निर्मोही अखाड़े के पेपर्स आयन फैसले के वक्त पर कहाँ गए? बिल्ला, गुम हो गए। देश के प्रधान सेवक की डिग्रियों का और सर्टिफिकेट्स का क्या हुआ? बिल्ला, वो भी गुम हो गए। देश के बेरोजगार नौजवानों का डाटा तैयार था, वो क्या हुआ? बिल्ला, नहीं रहे, वो भी गुम हो गए। दरमियान में पागल, अबे शातिर लुटेरो, इतने सारे अहम कागजात तुमसे संभाले नहीं गए तो हमारे पास 50 वर्षों का सबूत क्यों मांग रहे हो? मांगना ही है तो अपने गुनाहों से मोक्ष मांगो। अबे भागो, डॉक्टर अपने मुस्कुराहटों के साथ इधर ही आ रहा है। सारे पागल एक तरफ भाग खड़े।